हो गया पाकिस्तान के साथ खेल। अमेरिका ने पेश की रिपोर्ट, बर्बाद हो जाएंगे पाकिस्तान। कब होगा पीओके पर कब्जा, हुआ खुलासा। 161 देशों के मेंबर ने तैयार की रिपोर्ट, रूस और भारत को लेकर किए कई अहम खुलासे। आने वाले 10 सालों में बिखर जाएंगे कई देश। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता में होगा बड़ा उलटफेर। एलएसी सीमा पर चीन भारत से 6 गुना अधिक सैनिकों की कर चुका है तैनाती। भारतीय वायुसेना पहुंची जापान, जिसके बाद चीन में मची खलबली। दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ बने, लेकिन आज भारत बुलंदियों पर पहुंच गया है। पाकिस्तान को लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केवल जून तक ही जिंदा रह सकता है। दरअसल अमेरिका ने भारत पाकिस्तान रूस को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट को बनाने में 161 देशों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। वहीं इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य कब बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ है कि कब तक भारत का पीओके पर कब्जा हो सकता है। उधर अमेरिका के द्वारा जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है, इसने अभी तक जो भी पहले खुलासे किए वे बिल्कुल सटीक तरीके से सामने आए हैं। दरअसल अमेरिका के जिस संगठन ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, वह 70 के दशक से ही लगातार इस पर काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में तो खलबली मची है, साथ ही रूस में भी इस रिपोर्ट के बाद चर्चाएं हो रही है। वह भारत को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। दोस्तों आइए आपको इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज भारत की तुलना पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन से की जाती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जहां कई सौ बिलियन डॉलर से भरा पड़ा है, तो वहीं पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर के लिए भी कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दरवाजा खटखटाता है, तो कभी सऊदी अरब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कर्ज मांगने जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को उनकी ही सरकार के टॉप ऑफिसर मोदी की नीति अपनाने को कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने अमेरिका से भी अपने संबंध बनाए रखे और रूस से भी दुनिया के दबाव के बावजूद रिश्ते खत्म नहीं किए। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के हालात बहुत ही बदतर हो गए हैं और इस हालत से बचने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को बचाए रखा जा सके। पाकिस्तान को डूबने से बचाने के लिए जब शाहबाज शरीफ ने दुनिया से कर्ज मांगना शुरू किया, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम 93 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मदद देंगे। जर्मनी 88 मिलियन डॉलर, तो चालबाज चाइना ने 100 मिलियन डॉलर, आईडीबी ने 4.2 बिलियन डॉलर, वर्ल्ड बैंक ने 2 बिलियन डॉलर की मदद देने का ऐलान किया। दरअसल पाकिस्तान में जो भी बाढ़ आई थी, उसे उबरने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों से सहायता मांगने गए थे, लेकिन बदले में इनको कर्ज मिला है जिसकी कीमत इन्हें लौटानी पड़ेगी। जिस तरीके से आज पाकिस्तान अपने पावर प्लांट, विदेशी दूतावास, एयरपोर्ट बेच रहा है, उसके चलते धीरे धीरे पाकिस्तान के सारे सरकारी चीजें बिकना शुरू हो गई और आने वाले समय में अब जो वर्तमान में पाकिस्तान कर्ज ले रहा है, इसे कैसे वापस करेगा, इसको लेकर कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान को कुछ महीनों के लिए तो बचा लिया गया, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब 20 लोगों की टीम को लेकर जिनेवा पहुंचे, उन्होंने कहा कि विकसित देशों के चलते ही पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदा आई है, क्योंकि उन्होंने अपने विकास के चलते पर्यावरण को बिगाड़ दिया है और इसी के चलते ही पाकिस्तान में बाढ़ आई, जिससे पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का घाटा लगा। तो अब यह विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वह पाकिस्तान की आर्थिक सहायता करे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बैठे 40 देशों ने खेल कर दिया। उन्होंने आर्थिक सहायता ना देकर कर्ज दिया है। इतना ही नहीं, जो कर्ज पाकिस्तान को मिला है उसे 3 सालों के अंदर ही वापस करना होगा। तो वहीं अब जो अटलांटिक काउंसिल के द्वारा पाकिस्तान को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है, उसके अनुसार पाकिस्तान की स्थिति अब अगले कुछ सालों तक सामान्य नहीं होने वाली, जिसके चलते पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं। भारत भी पाकिस्तान के टुकड़े होने का इंतजार में बैठा है। पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ तो भारत का पीओके सबसे पहले उसके कब्जे में आएगा। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कई सालों से कोई भी सरकार के प्रधानमंत्री
अपना 5 सालों का कार्यक्रम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसे में जिस तरीके से देश में राजनीतिक अस्थिरता रहेगा, अब ऐसे में जिस देश में राजनीतिक अस्थिरता रहेगी उस देश के टुकड़े होना तय है। यह तो था पाकिस्तान के साथ होने वाले खेल की खबर। यह तो थी पाकिस्तान के साथ होने वाली खेल की खबर। अमेरिका की अटलांटिक काउंसिल के द्वारा जो खुलासा रूस को लेकर किया गया है उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। दरअसल अटलांटिक काउंसिल ने पूरा जोर देकर कहा कि 2030 तक रूस फिर से टूटकर बिखरने वाला है। यह कोई पहली बार दावा नहीं किया गया। इसके पहले भी 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था उस वक्त भी अटलांटिक काउंसिल ने इसके दावे पेश किए थे। वहीं पिछले साल 24 फरवरी के दिन से जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने की शुरुआत की थी तो रशिया को लगा था कि कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन पर फतेह हासिल कर ली जाएगी, लेकिन एक महीने के बाद इस युद्ध को 1 साल होने वाला है। अभी तक रूस यूक्रेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया था उन पर फिर से यूक्रेन का कब्जा होने वाला है। पूरी दुनिया हैरान है कि एक छोटा सा देश यूक्रेन कैसे रूस के आगे सीना ताने खड़ा हुआ है। दरअसल नेटो देशों में सीधे तौर पर यूक्रेन की तरफ से अपनी सेना को युद्ध में नहीं उतारा है, लेकिन हथियारों की सप्लाई शुरुआत से लेकर अभी तक जारी है। इसके चलते रूस को पता नहीं चल पा रहा है कि उसका दुश्मन कौन है और वह अज्ञात दुश्मन से लड़ रहा है। उधर भारत को लेकर भी इस अटलांटिक काउंसिल ने खुलासा किया कि यह खुलासा भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर था। इस काउंसिल के द्वारा जो सर्वे कराया गया उसके मुताबिक 64% लोगों ने माना है कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक चांस भारत के हैं, भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी। अमेरिका के द्वारा अटलांटिक काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में अब आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। भारत और जापान चीन के खिलाफ जबरदस्त रणनीति तैयार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इस वक्त भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन के नाम से दोनों देशों के बीच एक वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है जो 12 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 जनवरी तक चलेगा। वहीं इस युद्धाभ्यास के दौरान ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई है जिनकी चर्चा हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान में खूब हो रही है। उधर चीन की मीडिया इसके शुरू होते ही जापान के लड़ाकू विमानों की जमकर हंसी उड़ाई थी, लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसको देखकर चीन बौखला गया। चीन की बौखलाहट का कारण भारतीय वायुसेना के पायलट थे। दरअसल इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय पायलट ने जापान की मित्सुबिशी F2 को आसमान में उड़ाया है और इसके कॉकपिट में बैठकर भारतीय जाबाजों ने तस्वीर भी अपनी खींची है। उधर भारतीय पायलटों के द्वारा F2 को जिस तरह से आसमान में ऑपरेट किया गया दुनिया के कई देश देखकर दंग रह गए। इतना ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय जवानों ने F2 को हवा में लहराया है उसे देखकर जापान के टॉप अधिकारी भी आश्चर्यचकित हो गए और जापान के पायलटों ने माना है कि भारतीय पायलटों का कोई जवाब नहीं। दरअसल ये माना जाता है कि हर फाइटर जेट की अपनी काबिलियत होती है और उनकी तकनीक में अंतर होता है, लेकिन सुखोई 30 MKI को उड़ाने वाले भारतीय लड़ाकू पायलट उसी अंदाज में F2 लड़ाकू विमान को उड़ाया जिस तरीके से जापान के फाइटर पायलट उड़ाते हैं। उधर जापान की ओर से कहा गया कि भारत के साथ हो रहे इस युद्धाभ्यास से जापान की वायुसेना को कई फायदे हो रहे हैं, क्योंकि चीन में सुखोई की श्रेणी वाले लड़ाकू विमान हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि जापान भारतीय सुखोई 30 MKI के साथ युद्धाभ्यास करके चीन के सुखोई के खिलाफ रणनीति सेट कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।